बात करांगे अहम अपडेट्स दे नाल। सुखदिंदर सिंह रंधावा के पुत्र नूं राजा वड़िंग ने थापड़ा दिता है, पिट थपथपाई है। तो फिरोजपुर के धरने मौके स्टेज पर बुला के उहदे वीर रंधावा शाबाशी दी गई है। तो कहा है जे 23 साल का नौजवान नहीं लड़ेगा तो कि असी लड़ांगे, उहदे वीर नूं वड़िंग ने कहा परवाह ना कर। रंधावा के पुत्र की नरवीर नां दे नौजवान के नाल बीते दिन लड़ाई हुई सी, काफ़ी मामला भगदा नज़र आया सी। उस तो बाद इस ते सियासत भी गरमाती हुई नज़र आई सी, लेकिन इस कदर जिहड़ा अजिही स्टेटमेंट देना तो अपने आप दे विच एक वड्डी गल है। सो फिरोजपुर के धरने मौके स्टेज पर बुला के उहदे वीर रंधावा शाबाशी दित्ती है राजा वड़िंग ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग धरने मौके स्टेज पर उन्होंने बुलाया सुरिंदर सिंह रंधावा के पुत्र उहदे वीर नूं ते कहा जे 23 सालों का नौजवान नहीं लड़ेगा तो कि असी लड़ांगे, उहदे वीर नूं वड़िंग ने कहा परवाह ना कर। अज मुंडा भी आया, मैं भी कितने मुंडा आ यार तेन शाबाशी देवा। कोई कही जाता हूं यार 23 साल का मुंडा है, ये लड़ूगा होर मैं लड़ूंगा, परवाह ना कर। सच्ची गल थी कोई नहीं, मारा मुंडा लड़ नहीं पाई, मुंडे 23 साल का। सो भाई तगड़े रहो ते आपा इस तरह लड़ाई जारी रखनी। सो सुनिया तुसीं साफ तौर पर कहा गया राजा वड़िंग द्वारा कि जे 23 साल का नौजवान नहीं लड़ेगा तो असी लड़ांगे, उहदे वीर नूं वड़िंग ने स्पष्ट शब्दों के कहा कि परवाह ना कर। रंधावा के पुत्र की नरवीर नां दे शख्स नाल नौजवान के नाल बीते दिन लड़ाई हुई सी, काफ़ी मामला भगदा नज़र आया। तो उत्थे ही फोन लाइन तो मेरे नाल आम आदमी पार्टी तो सीनियर आगू अहबाब गरेवाल जी जुड़े ने। गरेवाल साहब सब तो पहला तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से स्वागत है जी। तो विशेष तौर पर जिहड़ी खबर नशर की जा रही है जी मीडिया वालों, उस दे विच सुजिंदर सिंह रंधावा के पुत्र की पिट थप्पड़ते हुए नज़र आए हैं राजा वड़िंग, की लगता है? तो नाल ही कहा गया कि जे 23 साल का नौजवान नहीं लड़ेगा तो कि असी लड़ांगे। देखो जी एक कल्चर दर्शाता है, एक कल्चर है। स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अगर ब्याह के इस बात क्या ज्यादा बच्चे हैं हो जाती है बिल्किस से इसको हार पाते। सो एक कल्चर है कि साढ़े बच्चे तो राजक्रमी जमे हैं, असं चाहे करते हैं कॉमन लोगों ने जो असं कर भी दें तो कोई वड्डी गल नहीं। एंड एक पार्टी के प्रधान स्टेज तो खड़ के यह जी गल बोलनी शोभा नहीं दिंदी, क्योंकि यह दर्शाता कि तुम इंप्यूनिटी ना लोगों को इनकरेज करते हो कि क्योंकि थोड़े को पावर है या तुम ताकतवर रहे हो तो तुम किसी ना भी कुछ कर सकते हो। सो असी इस चीज़ का ना सिर्फ खंडन करते हैं बट लोगों को यह भी कहते हैं कि इनकी मानसिकता देखो, इतों मानसिकता पता लगे। पर गरेवाल साहब तुहानू की लगता है कि इस हिसाब के नाल तजव्वो देना किन्नी क सही गल है, क्योंकि एक जिम्मेवार अहुदे ते एक पार्टी के अजिही जिहड़ी है स्टेज के उपरों पिट थपथपाउणी। हालांकि सुजिंदर रंधावा ने कहा सी कि बच्चों की लड़ाई है तुल ना दी जाए, लेकिन हुण राजा वड़िंग ने स्पष्ट शब्दों के स्टेज तो उन्हां दी पिट थपथपाई है उहदे वीर रंधावा होरां दी, तां फिर की लगता है कि परिवारवाद की जिहड़ी गलबात निकल के हमेशा ही सामने आउंदी है कि इस बार भी भारू पैंदी हुई नज़र आ रही है? सर कोई एक्चुअली कोई नवी गल है नहीं, नवी गल इसलिए नहीं है कांग्रेस की स्पैशली। तुम याद करो पिछले चलो काकिया कांड तो लैके हूं तक कांड ही करते आ रहे हैं काके, तो जो काके ने जिन्होंने ग्रूम ही इस तरीके का किया जाता कि बेटा थोड़ा काम तो राज करना ही है, तो तुम जो अपनी मनमर्जी करोगे तो तुम कानून ना खेल सकते हो। हाँ रंधावा साहब ने कह दिता इस चीज़ को तूर ना दी जाए परचे के काउंटर बच्चे भी हो गए, जे सियाने होंगे बिठा के दोवे ने कन्न पट के दोवे ने चपेड़ा मार के दोवे सामने अकल भी दे सकते थे, पर नहीं असी तो सारी कांग्रेस की सपोर्ट दवा के स्टेज तो कहावे कि कोई गल नहीं पुत्रा शेर बन लड़ता तो लड़ता। सो असी सिर्फ यही लोगों को दसना चाहते थे कि आ इना की सच्चाई है, आ इना की असलीयत है, तो यह खुद ही बोली जाते सर। तो हूँ सानू रब वजों बोलने की लड़ भी नहीं जाए। ठीक है गरेवाल साहब, तुम अपनी पार्टी के वालों अपना पक्ष रखे तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो दस दिए कि फिरोजपुर के धरने मौके स्टेज पर बुला के उहदे वीर रंधावा की पिट थापड़ी है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होरां ने।